नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया के बेस्ट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआई भर्ती के बारे में, क्योंकि दोस्तों एसआई भर्ती हुई है, आपकी एग्ज़ाम हो चुकी है, लेकिन दोस्तों इसे रद्द करने के लिए बहुत ही बड़ा आंदोलन आपके सामने किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का और इस सूचना का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। थम नहीं रहा, आज जयपुर में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन कर भ्रष्टाचार और नकल के मामलों की एसओटी जांच की मांग की है। ये लोग परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले आज शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा जुटे। इनका कहना है कि 13 सितम्बर को आयोजित पेपर पहले ही लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। परीक्षा केंद्रों से नकल के वीडियो भी सामने आए थे और ऐसे में सरकार पिछली परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा का आयोजन करवाए। पिछले दिनों 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। इस परीक्षा के आयोजन के साथ से ही विवाद इसके साथ जुड़ गए हैं। इस परीक्षा को रद्द करवाने और एसओजी से जांच की मांग को लेकर आज शहीद स्मारक पे बड़ी संख्या में प्रदेश भर से बेरोजगार युवा हैं वे जुटे हैं। उनका ये कहना है कि ये पेपर परीक्षा से पहले ही जो बाहर है एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ गया, तो उसके बाद से ही कभी एग्ज़ाम सेंटर के वीडियो बाहर आ रहे हैं तो कभी आंसर की बाहर आ रही है। इसके साथ ही आंसर की ले जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। यहाँ कुछ भर्ती से जुड़े बेरोजगार हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या डिमांड है आपकी। देखिए सर, मेरा नाम सुमित शर्मा है और जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की जो आयोजित हुई है 13 से लेकर 15 सितंबर के बीच में, पहली बात तो ये 3 दिन में आयोजित हुई है, जबकि रीट के कैंडिडेट 26 लाख हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर वालों के साथ में इतना बड़ा भेदभाव क्यों? एक दिन में एग्जाम हो सकती है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने 3 दिन में करवा दी, लेकिन सबसे पहले 13 तारीख को जैसे एग्जाम आयोजित हुई तो बीकानेर से पेपर लीक हुआ और व्हाट्सएप ग्रुप पे लगभग 1000 कैंडिडेट के पास में वो पेपर पहुंच गया। सबसे बड़ा सवाल आरपीएससी पर कि क्या भर्ती प्रक्रिया कोई भी पारदर्शिता से नहीं हो सकती। देखो, सबसे पहले तो आरपीएससी अध्यक्ष भूपेंद्र यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम इस्तीफा मांगते हैं कि उनसे आरपीएससी नहीं संभल रही, क्योंकि जो जिस प्रकार बीकानेर से जो पेपर पाली पहुंचा, 12 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें स्पष्ट है कि उन्होंने आंसर की उसका पेपर को हल करके दिया गया है। और वो कहाँ कहाँ तक पूछा, 859 पे ये भर्ती है और हजारों में से वो पेपर पहुंच चुका हो, तो फिर भर्ती का क्या मतलब हुआ? कैसे कह रहे हैं कि भर्ती पारदर्शिता के साथ आरपीसी ने करवा दी? इसके अलावा जब 4 सितंबर को एक दिन में परीक्षा आयोजित कर रही थी तो अचानक इन्होंने तारीख आगे क्यों बढ़ाई? जब रीट की जब 16 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जब एग्जाम दे सकते हैं तो क्या एक दिन में एग्जाम नहीं हो सकती? एक बड़ा सवाल आरपीएससी पे लग रहा है। आरपीएससी में धांधलीबाजी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, जो आरोप लगे थे सदस्यों तक आज तक उनका खुलासा नहीं हुआ। बिल्कुल, राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पूरी अगर परीक्षा की बात की जाए तो लगातार पेपर के नकल के मामले, इसके साथ ही भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। ऐसे में अब बेरोजगारों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि इस मामले की एसओजी से जांच करके जल्द से जल्द इस परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से एक दिन में परीक्षा का आयोजन किया जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और दोस्तों, एसआई भर्ती से संबंधित ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाना है और वहाँ पे सर्च करना rkalert.in को सर्च करना है। और दोस्तों, सर्च करने के बाद में ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना है आरपीएससी, आरपीएससी, एसआई, यहाँ पे इसे सर्च कर लेना है। और दोस्तों, बाद में सर्च करने के बाद में आरपीएससी एसआई से संबंधित जितनी भी न्यू अपडेट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगे ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा। और दोस्तों, एसआई भर्ती के बारे में पल पल के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।